अंकल केडीएफए मेले में आए हो हैं जी। तो बताओ भाई, बुल के बारे में बताओ अंकल। भाई विराट बुल, अजय पहलवान, विराट बुल गुम्मड़, अच्छा, तो सोनीपत हरियाणा। कैसा लगा अंकल आपको? बहुत ही बढ़िया लगा जी। हम स्पेशल विराट बुल के लिए ही आए, नोएडा से, यूपी से। रात 2 बजे आ गए थे हम, और अब सुबह हमने आके देखा। पहले वीडियो देखी काफ़ी, लेकिन अब आज पहली बार लाइव देखा है हमने, और वीडियो में जो दिखाई देता है उससे भी घना ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया है। तो अंकल आप हर मेले में ले जाते हो जैसे बुल को, और जैसे इनाम वगैरह इससे तो आपको कोई नहीं है, लेकिन बस दर्शकों के, जैसे आप पुष्कर भी लाए थे मेले में, अच्छा, तो इसके बच्चे वगैरह तैयार कर रखे हो? और अभी इसकी कटड़ी ये खड़ी है आपके सामने, सबके सामने है ये, काली। इसकी कटिंग होने लग रही है, तो आप देख सकते हो। इसके बच्चे और भी आने लग रहे अच्छा, हैं। आप अभी रिंग में भी देख लियो, विराट के बहुत बच्चे आ रहे हैं। ठीक, आज भगवान की दया से मेले में विराट के इतने बच्चे आओगे, हर कैटेगरी में विराट की पोजीशन आओगी, बच्चों की भी। अच्छा, ये आपका ठीक, कॉन्फिडेंस बोल रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं जी, ये तो देश बोल रहा है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये तो देश बोल रहा है कि वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट है। तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी बड़ाई नहीं, खुद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे अपने साथ युवा भाई, भाई आपका नाम, तो कैसा लगा बुल भाई देख के? भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अंकल जैसे युवा भी आ रहे हैं इसके बीच में, तो उनको क्या कहना चाहते हो भाई? मैं तो इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये शो करते हो हाँ, तो अच्छे बुल का, अच्छी भैंस का वो करो, और उससे रिजल्ट लो, और तब वैसे कोई वो नहीं चलेगा मेलों से, घूमने से, और वैसे घर पे बैठे बैठे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, घूमना पड़ता है, जब चैंपियन बनना पड़ता है, मेले में लड़ लड़ के सवार होना पड़ता अच्छा ये है। तो अंकल आप 5-6-7 तक रुकोगे? है हाँ, 7 तारीख तक। तो इसको बुल को एडल्ट कैटेगरी में लगाओगे क्या? वो पब्लिक की डिमांड है, वरना मैं, ये 19 बार चैंपियन हो चुका है, अच्छा, तो मैं रहने दूँ, औरों को भी मौका दूँ, पर कोई ले जाएगा तो ले जाएगा भाई, मैं तो लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं रिंग में नहीं लेके घुसूंगा, कोई खोल कर ले जाओगा, कोई प्रेमी मित्र तो अच्छा ले अच्छा जाओ, तो मैं अपनी मर्जी से मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं तो अच्छा सिर्फ दिखाने, और सबको ये चीज होती है, ये कैटेगरी होती है, ये नस्ल होती है, ऐसे बुल होते हैं, हर उनको ये चीज दिखाने आ जाता हूँ। बाकी मेरे को, मैं भी थक चुका हूँ, इतनी बार यो चैंपियन हो लिया। करो सूरत तुम्हारी देखी तो स्वयं रात भर पलकों से लिखता रहा नाम तुम्हारा चांद पर। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध होगा, मुझ में और चांद में युद्ध होगा, जीत मेरी होगी, क्योंकि मुझ संग प्रीत सभी भाई प्रेमियों की होगी। चलो थैंक यू अंकल जी, है ना, राम राम।